भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। आइए चलते हैं देश की खास खबरों की ओर। श्री संवाद यात्रा का नेतृत्व रश्मि ठाकरे करेगी। यात्रा विदर्भ से शुरू होकर बुधवार को नागपुर जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा जिले के रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी और महिलाओं से संवाद करेगी। इस दौरान दो गुट के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। भंडारा जिला अंतर्गत साकोली तहसील के वड़ेगांव में नहाने के लिए गए भीमाल कसा झील में 30 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत। मृतक युवक की पहचान सुजीत दुर्योधन कोटांगे के रूप में। लाखनी तहसील के तालाबाड़ की ईशा गायधन ने 17 वर्षीय लड़की नायलॉन धागे से गला कटने से हुई घायल। उसका खासगी अस्पताल में चल रहा इलाज। यह घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे के दरमियान हुई। बताते चले कि मकर संक्रांति के अवसर पर एक बड़े पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में नायलॉन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जबकि इस पर प्रतिबंध के बावजूद बेची जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन नायलॉन मांजा प्रतिबंध को लेकर गंभीर नहीं है। यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के मध्य में स्थित पुलिस स्टेशन के कार्यालय में सोमवार रात 9:30 बजे के बीच अचानक आग लग जाने से थाने में मौजूद पुराने सामान के साथ 10 साल से ज्यादा पुराने मुकदमों से जुड़े दस्तावेज भी जल गए। नागपुर से नायलॉन मांजे से 22 लोग घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि वैसे तो नायलॉन मांजा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन संक्रांति के दौरान कई इलाकों में इस मांजे का इस्तेमाल किया गया। 22 घायलों को मेडिकल मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राव नार्वेकर द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ ठाकरे समूह और शिंदे समूह दोनों ने अदालत में याचिका दायर की है। ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जबकि शिंदे समूह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पृष्ठभूमि में यह देखा जा रहा है कि राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा रह गया है। दूसरी ओर मनोज जोरांगे पाटिल के कारण मराठा आरक्षण का मुद्दा भी गर्माने लगा है। यवतमाल से पत्नी को परेशान करने की नियत से उसका फर्जी फेसबुक और मोबाइल नंबर OLS पर पोस्ट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे के बगल में बैठकर खाना खा रहे यात्री को लेकर केंद्र ने लिया संज्ञान। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन और इंडिगो प्रशासन को कारण बताओ जारी किया नोटिस। कल्याण से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि जब विठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन पकड़ने की तैयारी कर रहे एक यात्री के बैग से एक महिला ने मोबाइल फोन चुरा लिया। इस मामले में कल्याण रेलवे पुलिस ने रानी पवार नाम की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले के आगे की जांच शुरू कर दी कि रानी ने अब तक कितनी चोरियां की। कोल्हापुर जिले में सिरदर्द से तंगा कर एक स्कूली छात्रा ने अपने आवासीय छत पर हुक से लटक कर की आत्महत्या। मृतक की पहचान श्रावणी प्रकाश गोरुले उम्र